How are you? Okay, I'm fine. Thank you. Madhuri is also our great leader in Muslims. But you know very well. अस्सलाम वालेकुम, जुले यंग नमस्ते। आज हम आपको हिंदी में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। एक ही सब में खड़ा है महमूद अयास, न बंदा रहा है न बंदा नवाज। ये है लद्दाख का एक नज़ारा जो कि कंपारी। तो ये महीना बुद्धिस्ट हजरत का एक इबादत का महीना है। इस महीने में एक महीना पूरा मीट नहीं खाया जाता है और किसी के जान से खिलवाड़ करके अपना हवस के लिए हम मीट खाते हैं। तो ये सोच ये है कि 11 महीना हम और आप अपना हवस के लिए दूसरों के जान से खिलवाड़ करते हैं। कम से कम एक महीना तो हम अपना बर्दाश्त करो, कम से कम एक महीना इबादत करो। तो यही निशाना यहाँ देखिए, यहाँ से आ रहा है उस टॉप के ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से जो बर्फ़ निकाला है, इस जगह से इबादत करते आ रहे हैं। मैंने आपको नहीं कहा एक ही सफ़ में खड़ा है महमूद अयास, ना बंदा रहा है ना बंदा नवाज। इस इबादत में DSP भी होगा, SP भी होगा, IAS भी होगा, KS भी होगा, छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, अमीर भी होगा, गरीब भी होगा। जैसे कि मुसलमान का नमाज में एक ही लाइन में रहते हैं, जिसमें अमीर आगे रहेंगे पीछे रहेंगे ये मसला नहीं है, जहाँ लाइन लगे वहाँ पर एक ही साफ आते हैं। तो लेकिन ये जो मुसलमान का जो ये नमाज एक ही साफ वाला, एक मस्जिद का अंदर होता है ये पैगाम। लेकिन बुद्धिस्ट हजरत का जो ये पैगाम कहाँ दे रहा है, खुले आम रोड पर। रोड पे एक कदम चलते हैं फिर बिल्कुल लेट जाते हैं, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह सामने से। लेटने के बाद फिर दो कदम आगे जाते हैं, फिर ज़मीन पे लेटते हैं। कहाँ पर? रोड पे। हम दुनिया में कहते हैं सबसे गंदी जगह है रोड, लेकिन अपने आप को इतना नीचे दिखाते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ आपका सामने। वहाँ सजदा करते हैं, ज़मीन पर माथा टेकते हैं, फिर दो कदम आगे चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इबादत सबसे बड़ा इबादत समझते हैं मेरे नज़रों में। वो क्यों समझते हैं कि यही इज़िन नुरु दलाई लामा ने यही तालीम दे रखा है और महात्मा बुद्ध जी ने यही तालीम दे रखे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपना आप को कंट्रोल करना होगा, अपना आईसी पे कंट्रोल करना होगा, अपना तकबूरी गुरगुरी पे कंट्रोल करना होगा। लेकिन दुनिया को एक मिसाल दे रहा है कि ये इस पूजा के ज़रिए कि हम कुछ नहीं है ऊपर वाले के सामने, अल्लाह के सामने हम सजदा करते हैं। कहाँ जाके? रोड पे जाके ऊपर वाले के सामने घुटना टिकते हैं, माथा टिकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जो इबादत मैं समझता हूँ बेस्ट इबादत समझते हैं। बाकी खैर लोग पैसे भी देते हैं, गरीबों में पैसा बांटता भी है, लोगों को मदद भी करते हैं, लेकिन ये भी बड़ी चीज़ है। लेकिन ये मदद, ये पैसा, ये जो इबादत कर रहे हैं, ये अपना शरीर को समझाने के लिए कर रहे हैं। अपना शरीर को कहते हैं भाई तुम कुछ नहीं है ऊपर वाले के सामने, तुम तो बिल्कुल गिरी हुई आदमी। इस तरीके का ये जो इबादत में हम एक महीना करते हैं या दो महीना हम इस तरीके का इबादत हम करता है, लेकिन साल भर फिर हम भूल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस इबादत से हम और आपको सबक लेना चाहिए। हम और आपका गुरगुरी दबदबा ये पैसा, जैसे आप सब ने सुन चुका है दलाई लामा इज़िन नुरबू
तिब्बत से अपना अरबों खरबों का महल सारे तिब्बत को छोड़कर हिंदुस्तान में आकर आज का डेट में हिमाचल में तशरीफ रखते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि मुझे माल प्रॉपर्टी इन सारे चीज़ों से ज़रूरत नहीं है, मुझे अमन का ज़रूरत है, मुझे प्यार का ज़रूरत है। आज मैं इसी क्लिप में मैं डाल दूँगा। इज़िन नूरबू को मैं समझते हैं पैगंबर किससे कहते हैं। 124,000 पैगंबर दुनिया में आया कहते हैं, तारीख बताते हैं। तो पैगंबर का मकसद ये है कि ऊपर वाले का पैगाम, अल्लाह ताला का पैगाम और अच्छा पैगाम, नेक पैगाम फैलाने वालों को क्या कहते हैं, पैगंबर। मैं अपना दिमाग में, मेरा अपना सोच में मैं सोचता हूँ, अगर दुनिया में कोई पैगंबर अभी ज़िंदा है तो मैं समझता हूँ सिर्फ दलाई लामा इज़िन नूरबू आज हम और आपका रहनुमा के लिए ज़िंदा है। और दूसरा, मैं जो कहता भी हूँ तो मैं सबूत के बग़ैर, प्रूफ के बग़ैर, मैं किसी ने कहा हो या किसी ने लिखा हो उस बात पे मैं नहीं जाते हैं। मैंने ख़ुद अपना दिल में तसल्ली होने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ। आज मैं, मेरे पास कई वीडियो है, इज़िन नूरबू दलाई लामा मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाता है, गुरुद्वारे में भी जाते हैं। मैं एक थोड़ा थोड़ा क्लिप इंशाल्लाह मेरे मुझे कट फट करके मैं आपको पेश करूंगा। तो जब आपको बाबा रामदेव जी का जी इज़िन नूरबू का सामने बिल्कुल सर झुकते नज़र आ रहे हैं, और इसी तरीके दुनिया के, हिंदुस्तान की तो दौर, दुनिया के बड़े बड़े लोग, आज अगर दुनिया में किसी का इज्जत है तो मैं समझता हूँ इज़िन नूरबू से ज़्यादा दुनिया में किसी लीडर को इज्जत नहीं है। ये हम और आप एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। वो क्यों नहीं है मैं आपको बता दूँ। हाँ, मुसलमानों में एक बहुत बड़ा मसहबी गुरु को इज़्ज़त होते हैं, वो सिर्फ मुसलमान तक महदूद रहते हैं। ईसाइयों में गुरु को इज़्ज़त है तो वो ईसाई तक महदूद रहते हैं। हिंदू का जो गुरु है उसको इज़्ज़त है, अपना हिंदू तक महदूद रखते हैं। आज का डेट में इज़िन नूरबू दलाई लामा दुनिया में अगर किसी का अगर इज़्ज़त है तो इज़िन नूरबू से बराबर दुनिया में मेरे हिसाब से कोई इज़्ज़त वाले, कोई मानने वाला, कोई सुनने वाला कोई हो ही नहीं सकता है, ना है ना मैंने सुना है। तो मैं ये चाहते हैं कि इसी तरीके से हम अपना तमाम इंसान, इंसानियत के लोगों को कहते हैं, जब इज़िन नूरबू ने अपना तख्त नशीन छोड़कर सिर्फ इंसानियत के लिए आया, हम और आप अपना तख्त और प्रॉपर्टी को छोड़ना तो दूर, हम और आप पता नहीं कहाँ से रिश्वत, कहाँ से हराम की चीज़ें, कहाँ से क्या क्या करके हम प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हैं, हम पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैं एक बात फिर कहना चाह रहा हूँ, अभी चलो मैं 10 मिनट तक कहूँगा। तो मेरा अपना सोच ये है, एक आदमी ने रिश्वत, हराम के पैसे, नाजायज़ पैसे जमा करके एक क्या कहते हैं प्रॉपर्टी बनाते हैं, बनाने के बाद आप ख़ुद सोचो लोग क्या कहेंगे, ओहो इसका ये बिल्डिंग, वो बढ़िया बिल्डिंग बना है, तो कहेंगे लोग कहेंगे हाँ यार ये तो हराम का पैसे का बिल्डिंग है। अब उसको तो पहले ही वो बदनाम हो गया, बोला इसका प्रॉपर्टी हराम का है। किसी ने एक 10 लाख 15 लाख के बड़े कीमती वाले पेंट कपड़ा पहना, लोग क्या कहेंगे यार ये तो किसी से चोरी करके लाया होगा, हराम के पैसा है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, हर किसी को मैं यही कहते हैं कि हाँ शायद आप में से कोई होगा हाँ गोबाली हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन में क्या खाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, मैं अपने लिए क्या ख़र्चा करता हूँ, इंशाल्लाह किसी और दिन कहूँगा। आज मैं यहाँ पर गुजक जो इबादत के महीने के इस छत के ऊपर, सूफिया नुरबाशा का मस्जिद के छत के ऊपर आके इसी वीडियो को लेकर मैंने सोचा यार मुझे अच्छा लगा, मुझे ये जो मंज़र है। तो अब उसके बाद मैंने ये भी सोचा मैं बीचों बीच जा के कहूँ तो शायद मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, इसलिए मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स भी कर लो, शेयर भी कर लो, क्योंकि अच्छे चीज़ें दुनिया को बांटना बेहतर होते हैं, बुरे चीज़ों को हर वक्त जितना हो सके दबाने की कोशिश करना, छुपाने की कोशिश करना, ये इबादत मेरे लिए बहुत बड़ा इबादत, इबादत का अगर कोई बादशाह है तो मैं समझता हूँ यही घुचक वाला जो इबादत, बहुत बड़ा इबादत समझते हैं। तो शायद आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहे हैं। तो आप और हमें भी किसी भी मजहब में, देखो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही अपने तरफ से हर कोई अपने तरफ से इबादत करते हैं, इबादत तो अलग है लेकिन सोच सबका एक है।
ईमान से रहना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, अपना आप पर इतना खर्चा नहीं करना। अब देखो, हाँ ये मिसाल मुझे याद आया, 14 दिन पैदल चल के जिन नुरु दिलाए लमा, अपना महल छोड़कर, अपना पूरा राज छोड़कर इंसानियत के लिए यहाँ पर हिजरत करके बैठा हुआ है। इसी तरीके से बाबा राम जी आपको कहते हैं हिजरत के, अपना राजा को छोड़कर, अपना महल को छोड़कर। उसके बाद महात्मा बुद्ध जी की कहानी, आप में तो जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं ऐसे ही 4-5 लीडरों का हम कहानी, हालत ज़िंदगी सुनता भी है, फिर अपना लैपटॉप अपना मोबाइल में डाउनलोड करके रखते हैं, जब भी मुझे मौका मिले उनको हम सुनते रहते हैं। और तीसरे का मैं बता दूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद जानते हैं कि हिजरत किया, अपना घर प्रॉपर्टी माल छोड़कर हिजरत करके चला गया। इसी तरीके से गरीब में आप कहेंगे एक यतीम था, एक लवारिस था, मतलब लवारिस ही समझ लो। लेकिन आज दुनिया में अगर कोई नाम ज़्यादा लेता है तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मोहम्मद का लेता होगा मेरे अंदाजे में। इसी तरीके से रामचंद्र जी का लेता है, इसी तरीके से गुरु नानक जी, आप खुद जानते हैं गुरु नानक जी का कहानी आप लोगों ने सुन चुका होगा। मैं चाहता हूँ कि हम इनको मानना किसे कहेंगे, इन्होंने जो किया है वही हम भी करें, तो मैं समझता हूँ यकीनन हम अपना गुरु का मानते हैं। तो आप और हमें भी अपना गुरु ने जो किया है उस पे इम्प्लीमेंट करने का हम और आपको किस्मत दे, तौफीक दे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, नमस्ते।